सच्चे गुरबार की जय। सागर साहब, सागर साहब बच्चे नीचे ध्यान रखना, ठीक है सर, भाग गए। हो गया था बहुत ज़्यादा कोहरा, और कोहरे की वजह से जो है हमें रुकना पड़ गया, और रुके हम यहाँ पे काफ़ी देर, रुके 2 घंटे का हमने रेस्ट भी ले लिया, और अब निकल रहे हैं आगे की ओर। तो चलिए आज की नई सुबह नई शुरुआत करते हैं, और हमारे साथ बने रहिए, आपको दिखाते हैं नाग टिब्बा के नज़ारे। तो दोस्तों पूरी रात और आधा दिन चलने के बाद अब हम लोग पहुंच गए पंतवारी पहुंच गए, और ये हमारे गुरुजी हैं, हमारे मित्र, हमारे दोस्त, जो अब यहां से आगे का सफ़र जो है वो ये बताएंगे कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। और अभी हम लोग ये इनका पीछे जो देख रहे हो ये रेस्टोरेंट इनका है, और अभी हम लोग यहाँ पर खाना वाना खाएँगे, और खाना खाने के बाद फिर यहाँ से जाएंगे बेस कैंप, वहाँ करेंगे बॉनफायर, और जो भी एक्टिविटी होंगी वो नाइट एक्टिविटी वो अभी हमारे गुरुजी बताएंगे आपको। बताओ गुरुजी। हाँ, नाइट हॉल्ट बेस कैंप में है। हाँ। और कल सुबह मॉर्निंग में आपको जो है वहाँ से जो है वहाँ पीक के लिए मॉर्निंग 4 बजे आपको जो है वहाँ से ट्रैक शुरू करना पड़ेगा। तो 4 बजे हमें उठा दिया जाएगा। बिल्कुल, आपके साथ गाइड रहेगा। हाँ। कोई दिक्कत नहीं, आपको जो है सीधा समिट तक जाओगे। हाँ। वहाँ पे इस समय बहुत अच्छा है, बर्फ भी है, बहुत बढ़िया है, और बर्फ भी बहुत बढ़िया वाली है, बहुत बढ़िया वाली बर्फ भी है। और वहाँ से वापसी आकर के आप बेस कैंप पे जो है फिर वहाँ लंच होगा आपका। हाँ। लंच के बाद जो है आप सीधा वहाँ से जो है ट्रैक वापस पंतवारी आओगे कल 4 बजे तक। 4 बजे तक यहाँ पे पहुंचेंगे। 3-4 बजे तक आ सकते हैं आप आराम से, अपने ऊपर डिपेंड करता है जी। हाँ। अब चलने के ऊपर डिपेंड है, अगर आप जैसा जितना मतलब चल पाओगे, आप अगर सही ढंग से चल पाओगे तो भाई आप जल्दी भी आ सकते हैं। हाँ। और थोड़ा भाई अगर लेट चलोगे तो आप लेट पहुंचोगे यहाँ पे। 2 किलोमीटर तक तो हमारी बाइक चली जाएंगी।
अभी तो आपका जो है ना ये ट्रैक आपका 1.5 किलोमीटर बच रहा है, आपने जो जाना है आज बेस कैंप, बेस कैंप जो है 4 किलोमीटर है यहाँ से, पंतवाड़ी से बेस कैंप हमारा जो है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जहाँ आपने नाइट होल्ड करना है। आप अगर अपनी बाइक ले जाते हैं तो बाइक से आपका जो है 1.5 किलोमीटर ट्रैक आप आज का बच जाएगा, यानी आपको 2.5 किलोमीटर आज को जो है ट्रैक करना है बेस कैंप जाने के लिए। कल आपको 5 किलोमीटर वहाँ से जो है आपने जाना है, 5 किलोमीटर ट्रैक करना है उस समिट तक, ठीक है, समिट से वापस आकर के फिर आप टोटल लगाओ 9 किलोमीटर हाँ। हो गया जी, वो 5, 9, 14 किलोमीटर यानी टोटल आपका कल आपको 14 किलोमीटर जो है यहाँ तक उतरना होगा। ये 4 बजे 3 बजे का टाइम हमने इसलिए बताया। शक्ल देखो कैसी हाँ। हो गई 14 किलोमीटर का नाम सुन के। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। गौर से देखो, घर से बोल के लाए थे 4 किलोमीटर और यहाँ 14 वाला 14 तो है, 9 जाना 9 आना है। अब 4 आज बस आज हो रहा 4 के आगे एक डंडा लगा है, 4 ही है, एक डंडा और लगा दिया 14 बन गए। तो चलिए दोस्तों अब पेट पूजा कर ले और फटाफट जो है आगे चलते हैं। चलो सर ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं बेस कैंप की तरफ और वहाँ के लेते हैं नज़ारे। भाई ट्रैक देख रहे हो, यहीं से मामला ऐसा लग रहा है आगे से पता नहीं कैसा होगा। ऑफ रोड स्टार्ट हो गया है हमारा और भाई अभी जो हमारा गाइड है उसने बताया कि ट्रैक आगे खतरनाक है भाई, 9 किलोमीटर चलना है। पूरी रात बाइक चलाई और यहाँ पे दोपहर को पहुँचे, पूरी बॉडी थकी हुई है, रेस्ट मिला नहीं बिल्कुल भी और कैसे कवर करेंगे समझ में नहीं आ रहा और ऊपर स्नो भी बहुत ज़्यादा है, क्या होगा मुझे तो लगता है बहुत ही बुरा हाल होगा। और बस कुछ ही दूर तक हमारी बाइक जाएगी, उसके बाद फिर पैदल चल रहे हैं और थोड़ा सा सामान भी उठा के चल रहे हैं भाई, बहुत बुरी हालत होने वाली है। देख रहे हो दोस्तों कैसी मस्ती मार रहे हैं हमारे ग्रुप के लड़के ना, बस इनको मौका मिलना चाहिए मस्ती मारने का, फौरन तैयार है, इतना धुलवा उड़ा रहा है। अब इधर जाना भैया, कंफ्यूज हो गए हम तो हाँ, यहाँ से तभी तो हम रुके हैं यहाँ पे, लाइए हम सोच रहे हैं कहाँ इधर से जाएं, कहाँ इधर से जाएं, यहीं से ना चढ़ा दें ऊपर। अब यहाँ से हमें 2 किलोमीटर और ऊपर जाना है और अब जाएंगे, बाइकें हमने यहाँ पे लगा दी हैं, बाइकें यहीं रहेंगी, यहाँ कोई चोरी वोरी का डर नहीं है, किसी की टेंशन नहीं है और यहाँ बाइकें छोड़ के अब हम ट्रैक करेंगे 2 किलोमीटर का और फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे स्टार्ट होगा हमारा ट्रैक। सर कैसा लग रहा है 4 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद? सर बोलूंगा तो कुछ निकल जाएगा, कैंप में बात करते हैं प्लीज। जो बकरा जिस बकरी के साथ ज्यादा टाइम रहता था ना, बस वो बकरा, वो बकरी उसका, ये तो इंसानों में भी है वो तो है। जो बकरी जिस बकरे के साथ वो उसकी, वो बकरी उसकी, करंट बाजी से ज्यादा कैसे करते हैं, देख रहे हो देख रहे हो लाइव। Oh my God. वही तो इन्होंने बोला कि जो बकरा जिस बकरी के साथ ज्यादा वो बकरी उसकी। yes.
और क्या। चढ़के भी जा रहे हैं, चढ़के भी जा रहे हैं और मजे भी ले रहे हैं। लोग सोचते होंगे सर जी आप कितने लकी हो, हर जगह घूमते रहते हो, अच्छा जी राइड करते रहते हो, आपकी जिंदगी तो मस्त जिंदगी है। ऐसे ना समझ में आए इसकी। अब देखो ये है भाई मजे हमारे। भाई कुछ करने के बाद ही अच्छी चीज मिलती है, यानी कि कुछ मेहनत करने के बाद ही रिजल्ट मिलता है, और रिजल्ट अभी मिलने वाला है थोड़ी बहुत दूर में। तो चलिए आप बने रहिए मेरे साथ चढ़ाई पे मेरे साथ। हम अपने बेस कैंप पे पहुंच गए हैं, और वो देखो गांव इससे भी दूर है, वो जहां से हम आए हैं ये तो बहुत पास है, इससे भी दूर है। 4 किलोमीटर की चढ़ाई थी, पर चढ़ाई चढ़ने में मज़ा आ गया। सीरियसली चढ़ते हुए तो ऐसा लग रहा था कहां चढ़ गए, लेकिन अब पॉइंट पे पहुंच गए हैं। यहां का व्यू देख के, यहां का नज़ारा देख के, और ये सामने आपने देखे ही हैं अभी सिनेमेटिक टेंट के कितने प्यारे टेंट लगाए हैं, और काफ़ी लोग आए हुए हैं, हम ही नहीं हैं, तो बहुत मज़ा आने वाला है अभी आगे चल के। तो आप बने रहिए हमारे साथ।